आज हम बनाने वाले हैं छोले आलू की सिंपल सी सब्जी। बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, ज़्यादातर हम इसमें मसाले कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिंपल तरीका अपनाएंगे। तो ये हमने छोले लिए हैं जिनको ओवर नाइट हमने भिगो दिया था और अच्छी तरीके से हमने वॉश कर लिया है। इनको रख दें ये साइड में। ये हमने चार आलू लिए हैं, इनको छील लिया है और धो लिया है साफ़ हमने। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कुकर लेंगे, कुकर में छोले डालेंगे, कुकर में हम सारे छोले डाल लेंगे। छोलों को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। इसमें ऐड कर देंगे आलू, आलू ऐड कर लिया। हमें लग रहा है पानी ज़्यादा है तो थोड़ा पानी निकाल लेंगे। इसमें से पानी हमने निकाल लिया है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम नमक थोड़ा सा। अब इसमें हम दो से तीन सीटी लगा के ढक्कन लगा के दो से तीन सीटी के लिए रख देंगे। दो तीन सीटी होने के बाद इसको बंद कर देंगे। ठीक है, हो चुके हैं। कुकर की सीटी हमारी ख़राब हो गई तो हमने वैसे ही ढक कर के बॉइल किया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। छोले हमारे और आलू अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं इस तरीके से। अब थोड़ा हम इस मैसर से थोड़ा मैश कर देंगे छोलों को, थोड़ा सा ही, मामूली सा। सिंपल तरीके से बनाइए, सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। आप एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर देखना। थोड़े थोड़े मैसर से हम मैश कर देंगे। आलूओं को हमें ज़्यादा मैश नहीं करना है। आलूओं को हमने मैश कर दिया है। गैस पर रखते हैं कढ़ाई, गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डाल दिया ऑयल, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें जीरा, एक चुटकी हींग डाल देंगे। हींग हमारी अच्छी वाली है तो हम थोड़ी यूज करते हैं। जीरा चटकने के बाद उसमें ऐड करेंगे हम, ज़्यादा प्याज हमें डालनी नहीं है, बिना प्याज की बनाएंगे आज। जीरा हमारा चटक चुका है, इसमें कटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे, अदरक ऐड कटा हुआ, ये करेंगे दो कटी, इसको चटकने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। टमाटर जिसको हमने चॉपर से चॉप कर लिया है, आप चाहो मिक्सी में भी पीस सकते हो। इसको ऐड कर देंगे, गैस को रखेंगे मीडियम। टमाटर को डाल देंगे इसमें, अब इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमने पहले भी छोले आलू में ऐड कर दिया था तो उसी हिसाब से हमें नमक ऐड करना है। टमाटर को हम थोड़ी एक मिनट के लिए पकाएंगे। टमाटर हमारे पक रहे हैं, अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से कश्मीरी लाल मिर्च, इससे थोड़ा कलर अच्छा आएगा। गरम मसाला पिसा हुआ, अब इसको हम चला देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, ग्रेवी ने हमारा ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मैश किए थे आलू और छोले दोनों को, इसमें हम दोनों को ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, कलर कितना अच्छा आया है इसमें। इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। आप एक बार इस तरीके से सब्जी बनाकर छोले आलू की ज़रूर देखना, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पानी, आप
आपको जितनी ग्रेवी वाली चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। इसमें पानी ऐड कर दिया, अब इसको हम ढक कर के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ढक के 5 मिनट पकाएंगे इसको। हम एक बार सब्जी को चेक करेंगे, सब्जी हमारी ऑलरेडी और पक चुकी है, 99% पक चुकी है, क्योंकि हमें ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, हमें ऐसी सब्जी रखनी है। तो इसको 1 मिनट और पकाते हैं, 1 मिनट और पकाएंगे इसको। सब्जी हमारी बन चुकी है, गैस को कर देंगे बंद। धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, कितना अच्छा कलर आया है, आप इसी तरीके से बार बना कर जरूर देखें। इसको चलाएंगे, आप इसी तरीके की वह छोले की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर देखें। आपको कैसी लगी रेसिपी बताना ज़रूर।